सीबीआई की लड़ाई की आंच अन्य जांच एजेंसियों तक महसूस की जा रही है। राजनीति तो तपने लगी एक तरह से। सुबह आलोक वर्मा के घर के बाहर चार लोगों को पकड़ा गया, सादे कपड़ों में पुलिस वाले देखते हुए नजर आए, ये बताने पर भी कि वे आईबी के हैं, खुफिया विभाग के हैं। आईडी दिखाने के बावजूद इनको घसीटा जाता रहा। मामले ने जब तूल पकड़ा तो इसे रूटीन कार्रवाई बताते हुए ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन जो नुकसान होना था वो सार्वजनिक हो गया। तो आईबी इस घटना से नाखुश है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईबी के उच्च अधिकारी अपने चार अफसरों के साथ हुए बर्ताव से बेहद नाराज हैं। इससे अन्य अफसरों का जो मॉरल डाउन हो रहा है और उनकी पहचान भी जाहिर हो गई है। तो आलोक वर्मा के घर के बगल में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रहते हैं। जाहिर है ये पूरा संवेदनशील इलाका है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार आलोक वर्मा की जासूसी करवा रही है और रफाल विवाद से जोड़ रही है। तो आज लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से आलोक वर्मा की छुट्टी पर उनको भेजा गया उसे गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीबीआई चीफ की नियुक्ति करती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को हटाना ही था तो मीटिंग बुलाकर बात कर ली जाती। उनको अधिकार सुपरविजन करने का है, केसों के बारे में जो केसेस रेफर करते हैं उनके, लेकिन ये अधिकार उनको नहीं किसको ट्रांसफर करना किसको रखना। और ये डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर देखते हैं और उनके कंट्रोल में रहने की वजह से उनका यह दायित्व बनता था कि पहले से ही इसको देख लेकर कमिटी के सामने लाकर सारी चीजें बता सकते थे। तो सरकार का कहना है कि सीवीसी ने हटाने की पेशकश की जिसे सरकार ने मान लिया। तो सीवीसी ने सही रिकमेंडेशन दिया और सरकार ने उस रिकमेंडेशन को मान करके सही कार्रवाई की। यही प्रैक्टिस है, यही लीगल पोजीशन है। अगस्त में आरोप लगा, राइट, उसके बाद से बार बार कागज मांग रहे थे, तो सीवीसी और भी कड़ा कदम उठा सकता था। ये जो जिन पर आरोप था उसके खिलाफ कह सकता था सरकार को कि उनको निलंबित कर दीजिए, साहब ये इन पर आरोप है घुसखोरी का, आइए यही हेड कर रही है, जांच नहीं होने दे रहे, वह भी जायज होता। तो बहरहाल शाम 5:30 बजे सीबीआई की तरफ से सफाई आ गई कि दोनों बड़े अफसर सिर्फ छुट्टी पर भेजे गए हैं। आलोक वर्मा अब भी सीबीआई के चीफ हैं और राकेश अस्थाना अब भी स्पेशल डायरेक्टर हैं। शायद कल आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सरकार ने अपनी तरफ से ये सफाई देनी जरूरी समझी। तो उसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीबीआई मामले में अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री से सवाल किया कि रात के 2 बजे क्यों कार्रवाई की गई, डायरेक्टर के कमरे को क्यों सील किया गया। सवाल उठता है कि रात के 2 बजे क्यों किया, 9 बजे सुबह, 10 बजे सुबह, 11 बजे सुबह, नहीं, रात के 2 बजे उनके कमरे को सील किया गया और जो इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे वो लिए गए। तो सिर्फ सीबीआई डायरेक्टर को हटा नहीं रहे हैं, एविडेंस को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर को मालूम है जिस दिन सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो गई उस दिन प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गए। किसको चार्ज दिया है? उस व्यक्ति को चार्ज दिया है जिस पर केसेस हैं। उस व्यक्ति को क्यों चार्ज दिया है? क्योंकि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री कंट्रोल कर पाएंगे। तो राजनीति एक तरह से उबाल पर अब आ गई है। सरकार पर हर विपक्षी पार्टी की तरफ से सीबीआई पर की गई कार्रवाई पर वार हो रहा है, लेकिन मीट कारोबारी मोइन कुरैशी मामले अपने आप में बेहद दिलचस्प है
वो पूरे विवाद की जड़ में है। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के साथ साथ मोइन कुरैशी केस को लेकर तीन सीबीआई निदेशक विवादों में घिर चुके हैं। पहले एपी सिंह, फिर रंजीत सिन्हा और अब आलोक वर्मा। राकेश अस्थाना मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से 2014 में सुर्खियों में ये मामला आया। 15 महीनों में 70 बार रंजीत सिन्हा के घर हो गया। आरोपी के साथ मीटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिन्हा को फटकारा था। रंजीत सिन्हा सभी आरोपों से इनकार करते रहे। 2014 में ही कुरैशी और एपी सिंह के लिंक का भी खुलासा हुआ। एपी सिंह 2010 से 2012 तक सीबीआई चीफ रहे। पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने एपी सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। एपी सिंह भी लगातार आरोपों से इनकार करते रहे। बहरहाल कल सीबीआई के निदेशक पर कार्रवाई का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में उठेगा, ये मामला वहां गूंजेगा। उससे पहले आज हम इस कार्यक्रम में अपने खास मेहमानों के साथ कुछ और समझने की कोशिश करेंगे गहराई से जो इस समय की स्थिति बनी है। हमारे साथ आरती मेहरा, नेता बीजेपी मौजूद हैं, विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के हमारे साथ हैं, और संजय झा प्रवक्ता कांग्रेस के। आरती जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो कार्यक्रम की शुरुआत जिन तस्वीरों से मैंने की और आज शायद सुबह हम सबकी नजर में वो दृश्य आए थे कि किस तरह से आलोक वर्मा के घर के सामने से चार जो आईबी के लोग थे उनको खदेड़ा जा रहा था और हमारे पुलिस वाले ही कर रहे थे, दोनों प्लेन क्लोथ में थे, सादे कपड़ों में, क्या ये सरकार के लिए डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे? चिंता थी सरकार को कि कैसे हमारे दो डिस्टर्बिंग थी कि नहीं? मुझे लगता है कि इसको ऐसे ही तूल दी गई है। वो एक रूटीन, आईबी जो रूटीन में अपनी गश्त लगाता है, आईबी का जो काम है वो रूटीन में था। इसमें किसी भी तरह का इससे ज्यादा रीड करने की ना जरूरत है, ना इसमें इससे ज्यादा कुछ था। आरती जी, हमारे जो आईबी वाले हैं रूटीन में हमेशा से काम करते रहे, ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से पुलिस वाले उनको खदेड़ के ले जा रहे थे, वो अपना आईडी कार्ड दिखा रहे थे, वो बता रहे थे, किस स्थिति में ये अफसर अपने को पा रहे होंगे, मैं ये जानना चाह रही हूँ। क्या सरकार के लिए जो हमारी इस तरह की एजेंसीज में जो हमारे मिड लेवल के जो हमारे अफसर काम करते हैं, जिनका काम ही है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, उनके साथ इस तरह से बर्ताव, और वो ही हमारी दूसरी एजेंसी, वो भी हमारी एजेंसी है लॉ एनफोर्समेंट, वो कर रही है, ये परेशानी का सरकार के लिए सबब है या होना ही नहीं चाहिए? डायरेक्टर के घर के बाहर थे, डायरेक्टर जिस तरीके से पूरे मामला चला हुआ है उसमें उन्होंने कुछ जरूरत से ज्यादा रीड कर लिया, जबकि आईबी के ऑफिसर अपनी रूटीन गश्त पे थे और वो रूटीन में जो उनकी प्राइम ड्यूटी है उसे पूरा करने का कोशिश कर रहे थे। तो खदेड़ा क्यों ज्यादा रूटीन कर रहे थे? तो जो उससे पहले उन्होंने जो रीड किया वो तो प्रोब में सामने आ जाएगा कि क्यों खदेड़ा या क्यों उनको पकड़ा, क्योंकि वो सस्पिशन में आ गए। जिस तरह की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि आदमी ओवर सस्पिशन में आके ओवर रिएक्ट कर देता है, तो वो बाद में क्लैरिटी हो गई कि आईबी के लोग अपनी ड्यूटी करते हुए रूटीन गश्त पे थे। विनोद जी, आप तो एक बहुत सीनियर वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं हमारे, आपको क्या चिंता हुई दृश्य देखकर? मुझे चिंता ये हुई कि ये पकड़े गए। आईबी का काम सर्विलेंस का काम है, पेट्रोलिंग का नाम लिया आईबी के लोगों की उस एरिया की, हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं, हो सकता करते हो, क्योंकि पेट्रोलिंग का वैसे काम जो है वो नॉर्मल पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस का काम है पेट्रोलिंग का, और किसी भी वीवीआईपी या हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टी की जो आउटर पेरिफेरी सिक्योरिटी होती है वो लोकल पुलिस के पास होती है और उसके कई टीयर्स होते हैं उस सिक्योरिटी के। तो ये सर्विलेंस कर रहे थे सीबीआई चीफ की बंगले पे, क्योंकि सरकार शायद ये जानना चाहती थी कि कौन लोग उनसे आके मिल रहे हैं। देखिए ये एक नरेटिव है, रात को घर के बाहर आने की उनको क्या जरूरत है अगर सरकार देख रही है? वो दो कदम पे गाड़ी वहीं पार्क करी है उन्होंने, दो दो गाड़ियां वहां पार्क की हैं, उन्हें क्या जरूरत है? ये मैटर रिजॉल्व भी हो गया है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपनी बात कह लीजिएगा। हम लोग जरूरी नहीं एक दूसरे एग्री करें, लेकिन एक दूसरे सीख भी सकते हैं मेरा ख्याल है। बिल्कुल, और मैं सीखा आपने जो बोला अभी कि भाई पॉलिटिकली इसको कैसे देखा जा सकता है, और मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। इसमें एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसके पास एक लोगो भी नहीं था पहले, तो ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये सीक्रेटली काम करते हैं, और जब किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर पुलिस को उसकी कस्टडी देते हैं कि लॉ की नज़र में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये पेट्रोलिंग कर रहे होंगे
इसका जवाब तो आईबी वाले ही दे सकते हैं कि भाई ये एक तरीका भी है क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी जोन था, लेकिन ये पकड़े गए ये बहुत चिंता की बात है। और पकड़े गए सीबीआई चीफ के घर के बाहर, और वो भी ऐसी स्थिति में जब सीबीआई चीफ को सेवानिवृत्त के लीव पे भेजा गया रात के 1-2 बजे, तो मैं समझता हूँ कि सरकार का अगर केस सही भी था तो इट हैज बीन ग्रॉसली मिसहैंडल्ड बाय देम। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप, इस तरह से जो सीबीआई चीफ को आप लीव पे नहीं भेजते, इस तरह से आप सीबीआई चीफ पे नजर नहीं रखते या उसकी सुरक्षा नहीं करते, उसकी अपनी सिक्योरिटी है, उसके सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने पकड़ा है। आप मुझे बताइए उसके सिक्योरिटी ऑफिसर्स क्या संदेह के शिकार नहीं होंगे जब गाड़ी में बैठे हुए लोग वहां पर नजर रखे हुए हैं? तो इसलिए एक अनुचित, ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन रही होगी वहां पर कि कल तक तो सीबीआई चीफ है और आज उस पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, और अजीब सी स्थिति है। मैं संजय जी आपका रिएक्शन जल्दी से लेना चाहूंगी, जो हमारे आज सुबह दृश्य हम सबने टीवी पे देखे, हमारी दो दो एजेंसियों के जो लोग थे अफसर एक दूसरे को पकड़ के ले जा रहे थे, कांग्रेस के लिए क्या ये एक चिंता या घबराहट या प्रश्न खड़े करती है? नहीं, देखिए नगमा जी, हम तो समझते हैं कि अभी भारत के प्रजातंत्र पर ही बहुत बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरीके से जिस तरीके का एक माहौल है ये चिंताजनक है। और मैं यहाँ पर राजनीति नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप आलोक वर्मा जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनका जो पिटीशन है उनमें उस उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि जिस तरीके से उनकी जिम्मेदारी उनसे हटाई गई वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। उन्होंने कहा है कि उन पर दबाव डाला गया, उन्होंने कहा कि यह दबाव लिख के नहीं डाला जाता है, लेकिन उसका किसी न किसी तरीके से वो संदेश भेजा जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये छानबीन या तहकीकात हो रही है तो वो बड़े बड़े जब अफसरों के बारे में आती है तो सरकार काफी घबरा जाती है। तो यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि इनका निशाना बिल्कुल साफ है, और कल हम इंतजार करेंगे कि उच्चतम न्यायालय क्या फैसला इस पर लेती है। परंतु इस पर तो कोई दोराय हो ही नहीं सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और खुद नरेंद्र मोदी, क्योंकि सीबीआई तो उनके नीचे आता है, दखल अंदाजी हो रही है, हस्तक्षेप हो रहा है और एक न एक तरीके से दबाव कर डालने की कोशिश हो रही है ताकि उनके जो मित्र हो या राफेल घोटाला, जो हमारा विश्वास है कि ये राफेल घोटाला को लेके प्रधानमंत्री काफी हताश और निराश नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका सच्चाई तो भविष्य में जरूर आएगा। मैं आरती जी, जो संजय ने अपनी बात रखी जो उनकी भी तमाम उनका जो विचार था, लेकिन जो तरीका अपनाया सरकार ने, कल तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, लेकिन जो तरीका अपनाया विपक्ष के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज जिस तरह से प्रहार किए कि रात के 2 बजे क्यों, रात के 2 बजे क्यों नहीं, क्या ये सबसे रात के 2 बजे क्यों नहीं? निधि जी, ये सरकार जो है वो 24 घंटे काम करती है, 24/7 काम करती है। शाम को सीबीसी की रिकमेंडेशंस आई जी, और हमारी सरकार में कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, हमारी सरकार डिसीजन मेकिंग सरकार है। इतना उबलता हुआ मैटर है, सभी देश में ये एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन, इतनी प्रमुख जांच एजेंसी के द्वारा नंबर वन नंबर टू एक दूसरे पे लगा रहे हैं, उस एजेंसी की विश्वसनीयता को, उसकी एफिशिएंसी की, उसकी प्रोब जो है जब एक दूसरे पे लग रही है, जब वो उस सीट पे बैठे होंगे तो उसकी फेयरनेस कैसे हो सकती है प्रोब की? तो प्रोब प्रॉपरली उसकी जांच ढंग से हो, उसके लिए जो सीबीसी ने रिकमेंड किया उसको लागू किया। आरती और... जी, ये हम एक्सपेक्ट करते थे कांग्रेस से, कांग्रेस पे आप पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते थे, यही तो कह रही हूं। लेकिन ये मामला जो है सीबीआई के 3 निदेशक इस मामले में, जो ये मोइन कुरैशी का मामला है उसमें जांच के घेरे में आ चुके, ये तीसरे सीबीआई निदेशक है, और प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे। मैं देख रही थी अकबरपुर रैली में उन्होंने इस मामले को उठाया था, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था, वो अलग वो बात भी हमारे सामने है। तो 4.5 साल तक ये बीजेपी सरकार सो रही थी, ये तो कांग्रेस होती थी, सिर्फ सोती थी। देखिए इतने सारे मैटर चल रहे हैं, वो किसके खिलाफ चल रहे हैं, सीबीआई में कितने मैटर चल रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन चाहे वो अगस्ता डील हो, चाहे वो विजय माल्या की हो, इन सब में जो सीबीआई है वो मैटर
अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है जी, तो आज उसकी बात है, ये रफेल को ले आते हैं, ये रफेल तो सुप्रीम कोर्ट में है, और अगर रफेल पे बात करनी है आपने तो आप सुप्रीम कोर्ट को दो ना जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है, आपके तहसीन पूना वाला ने सुप्रीम कोर्ट में डाल के वापस क्यों ले लिया? कांग्रेस जो हर जगह हर चैनल पे गुमराह करने के लिए इनके अध्यक्ष जी जो जितने किलोमीटर चलते हैं उतना ज्यादा रेट बढ़ाते चले जाते हैं, पांच पांच बार वो रफाल के रेट बढ़ा चुके हैं। मैं बार बार बता दूं, मैं रफाल की बात इस समय नहीं कर रही हूं, मैं ये जो सीबीआई को जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया उसकी बात कर रही हूं। संजय आप कुछ कहना चाह रहे थे? सीबीसी की रिकमेंडेशन पे प्रॉपर्ली एज पर रूल्स एंड प्रोसीजर किया गया, कोई प्रोसीजर को वो नहीं किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ विश्वासघात किया है, झूठ बोला है। सीबीसी के पास वो अधिकार ही नहीं है कि उनके सिफारिश या उनके सोच के कारण, या वो यदि वो चाहे कि वो कहे कि सीबीआई के डायरेक्टर को बदला जाए तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो कानून नहीं कहता नहीं गया है। आप विनीत नारायण का जो निर्णय हुआ था सुप्रीम कोर्ट को वो पढ़िए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं आपके साथ देखिए मछली बाजार मत बनाइए, एक आदमी एक बार बोले, मैं आपके साथ ऐसे बहस नहीं करना चाहूंगा, मैं आपकी इज्जत करता हूं। तो सीबीआई एक्ट को पढ़िए आप, विनीत नारायण जजमेंट को पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद इस पर भी गौर किया जाए जो संशोधन हमने लाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया था कि सीबीआई का जो डायरेक्टर होगा उसकी नियुक्ति चीफ जस्टिस, भारत के चीफ जस्टिस उच्चतम अदालत के वो करेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन करेंगे और प्रधानमंत्री करेंगे, और उनका दो साल तक उनको आप हटा भी नहीं सकते हैं। तो ये सब इन सब कानून के होते हुए भी यदि सीबीसी जिस पर भी जिसकी भी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि सीबीसी के पास अगस्त में कंप्लेंट था अस्थाना के विरुद्ध में, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, क्यों? और जब आलोक वर्मा ने लिख के दिया था सीबीसी को कि मैं राकेश अस्थाना से नाखुश हूं क्योंकि उनके विरुद्ध काफी भ्रष्टाचार के केसेस हैं, उसके बावजूद सीबीसी क्यों चुप थे? तो देखिए यहां हर हमारा जो प्रजातंत्र का जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको तो नरेंद्र मोदी जी ने कुचल के बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। आज ये हालत है कि सीबीआई पर लोग हंस रहे हैं, ये वो संस्था है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध होना चाहिए। आज देखिए उनका क्या हाल है, तो आज तो ये इस बात का मिसाल या प्रतीक है अब कि ये सरकार क्या बचाने की कोशिश कर रही है। और करप्ट पैरेट आप कह सकते हैं, ये कभी भी सुधरा? आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात ये बताना चाहता हूँ कि रविवार को जब आलोक वर्मा माननीय प्रधानमंत्री से मिले, उसके बाद अखबारों में खबर छपी जानकार सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, और ये एक अखबार में नहीं छपी, ये तीन चार अखबारों में छपी। और ये ऐसे सूत्रों के हवाले से जब भी छपती है, जब कोई ब्रीफिंग होती है, सुनियोजित ब्रीफिंग होती है, मैं नहीं जानता किसने वो ब्रीफिंग की, लेकिन उसके कुछ ही एक ही दिन के बाद उनको जो फोर्सली पे भेजा गया। अब फोर्सली देखिए, एक ये भी कल सुप्रीम कोर्ट इस बात की जाँच करेगी कि सिविल सर्विसेज रूल्स में क्या आप किसी अधिकारी को ज़बरदस्ती छुट्टी पे भेज सकते हैं जी। हमने अभी तक कंपलसरी वेटिंग सुनी थी कि एक कोई अफसर जो है उसका स्थानांतरण हो गया है और उसको कंपलसरी वेटिंग में डाल दिया है, उसको कोई दूसरा चार्ज नहीं दिया, वो तो होता है, इट इज़ पार फॉर द कोर्स। लेकिन कंपलसरी लीव पे क्या कोई भेज सकता है किसी भी सिविल सर्वेंट को? इस बात पे कल हम सुप्रीम कोर्ट से सुनना चाहेंगे। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि राकेश अस्थाना जी पहले भी एक्टिंग सीबीआई चीफ बनाए गए थे इंटरिम, और फिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पे उनको हटा दिया गया था। तो देखिए ये जो हंडिया है ये काफी दिनों से उबल रही है और पक रही है, और इसमें जो पका है वो मैं समझता हूँ उसकी जो महक है वो कोई अच्छी महक नहीं है, ना सरकार के लिए, ना सीबीआई के लिए, ना सीवीसी के लिए। और कल के बाद पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या रवैया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रश्न आज कल के दिन होगा वो बहुत ही अहम और पेचीदा प्रश्न होगा कि क्या इस पिटीशन को
चीफ जस्टिस सुन सकते हैं, वो कमेटी के मेंबर हैं। बिल्कुल, ये बात हमको रूलिंग पार्टी की तरफ से इंटरप्रिटेशन फैलाया जा रहा है। हो सकता है ये बात सही हो कि ना सुनना चाहिए, लेकिन ये बात भी सच है कि तात्कालीन चीफ जस्टिस उस कमेटी के मेंबर नहीं थे, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है। जो भी चीफ जस्टिस है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएगा कमेटी का। तो तात्कालीन चीफ जस्टिस तो नहीं थे जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ आलोक वर्मा का, तो क्या उनके पास वो एल्बो रूम है कि ये सुन सकते हैं? लेकिन वो स्वयं नहीं भी सुन सकते। तो इसमें ये भी प्रावधान है कि चीफ जस्टिस और एनी अदर जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब है तो इसका तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुन सकती इस बात को। तो मेरा यह मानना है कि कल तक हमको इंतजार करनी चाहिए। लेकिन जो सीबीआई है, जो कई बरसों से बदनाम रही है, अब उसके पास आंख की शर्म भी नहीं बची। ये बड़ी बदकिस्मती है, ये हमारे देश की अकेली फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो एनआईए बनी है, वो नई एजेंसी है, लेकिन उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो आज के दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक अहम अफसर के ऊपर भी एक डीपी का केस है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है, इसमें एक रॉ का एक अफसर इसमें उसको उस पे कुछ इल्जाम है या उनको नेम किया गया है। तो जितने भी हमारे टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के, आज के दिन उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है और चिंता का विषय है। बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट कल क्या करेगा ये बात, लेकिन जो इस पे राजनीति, क्योंकि मुझे याद है कि जब आप लोग विपक्ष में थे और सीबीआई का मामला था तो आप लोगों ने तो सड़कों पर रैली निकाली थी कि सरकार किस तरह से सीबीआई को दबाती है। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे क्यों किया। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ रात के 2 बजे क्यों किया यही बात नहीं है, लेकिन जो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस था ऑफिस को सील किया गया। क्या ये सरकार का अगर ऐसा हुआ है कि सील किया गया और इंक्रिमिनेटिंग जो एविडेंस थे उसको वहां से लिए गए, तो जो आज सरकार की तरफ से सफाई आ रही है कि नहीं हमने तो सिर्फ उनको छुट्टी पे भेजा है, वो सीबीआई डायरेक्टर बने हुए हैं, सीबीआई डायरेक्टर के आप रूम के अंदर कैसे जा सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स सील कर सकते हैं अगर वो आपके डायरेक्टर भी हैं और आप सील भी करेंगे और डॉक्यूमेंट्स भी ले लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, तो फेयर प्रोब आप कैसे करेंगे जिनके खिलाफ कंप्लेंट है और उनके अगेंस्ट ही करप्शन के अगर चार्जेस हैं और उन्होंने नंबर 2 पे लगाए एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन है, तो एक पूरी जांच कमेटी बना के जिस प्रकार से, देखिए कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस हिली पड़ी है। आज चार्जशीट हुए चिदंबरम जी एयरसेल डील में, तो उनको ये लगता है कि ये स्पीडी और तेज तरीके से सरकार जिस तरह से काम कर रही है तो ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये रात के 2 बजे की बात करते हैं, ये एविडेंस सील क्यों किए? अरे सील नहीं करेंगे तो किस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, जो नई टीम आएगी। और दूसरी बात जो अभी संजय जी कह रहे थे कि जो सीवीसी है वो नहीं कर सकती, चार मैं आपको बताना चाहूंगी कि अंडर द सेक्शन 4(1) सीवीसी को पावर है सीबीआई के ऊपर सुप्रीमेंसी करने की, तो उसके तहत उन्होंने रिकमेंड किया और सेक्शन 4(2) में सरकार ने उसके ऊपर एक्ट किया। तो उसमें ऐसी इतना बड़ा मैटर है, उस मैटर को जिससे कि इस एजेंसी की साख रहे और ये पूरी तरीके से एजेंसी जो है उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, उसके लिए जरूरी है। तो सरकार एक्शन करती है, डिसीजन करती है, सरकार में पॉलिटिकल पैरालिसिस बिल्कुल नहीं है और वो चीजों को साफ करना जानती है। जो गलत है उनके ऊपर फेयर प्रोब करके एकदम दूध का दूध पानी का पानी होगा। बिल्कुल, अंत में बस मेरे पास विनोद जी आपसे पूछना है कि एक चीज और जो आज विपक्ष ने उठाई कि किस तरह से जो नए इंटरिम डायरेक्टर नियुक्त किए गए उनके खिलाफ भी चार्जेस हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले उठेंगे? सिर्फ ये जो आलोक वर्मा की याचिका है वो सामने आएगी या जो तमाम चीजें से जुड़े हैं? ये संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए, इसमें जितने भी मेन प्लेयर हैं वो सस्पेक्ट हैं, दुखद, उनका दामन पे दाग लगे हुए हैं। भले ही देखिए सीवीसी कहता है कि मेरी बात सीबीआई डायरेक्टर ने सुनी,
सीबीआई डायरेक्टर कहता है मेरी बात सीवीसी नहीं सुनी जब मैंने कहा कि इनको मत नियुक्त कीजिए। नागेश्वर राव के खिलाफ केस रेफर हुआ सीवीसी को, उन्होंने नहीं सुना, आज के दिन उन्हीं को वर्किंग डायरेक्टर बना दिया गया है। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश की, सीवीसी के ऊपर ग्राफ्ट केसेस संबंधित सुपरिंटेंडेंट्स की पावर है सीबीआई पे। अच्छा सीबीआई जो है ये वो एजेंसी है जो बहुत सी एसआईटीज में जब बनाई जाती है और कोर्ट के निर्देश में प्रोब होता है तो कोर्ट की मदद करती है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, तो आप देखिए कि कहां कहां नुकसान हुआ है। सीवीसी की इमेज का नुकसान हुआ है, सीबीआई की इमेज का नुकसान हुआ है, आरएनएडब्ल्यू की इमेज का नुकसान हुआ है, आईबी की इमेज का नुकसान हुआ है, ईडी की इमेज का नुकसान हुआ है, वो जो एक अफसर है उसके चलते। तो कोई बचा है क्या इदारा? सीबीसी नॉन कोऑपरेशन और नॉन कंप्लायंस का तो पहले से ही कह रही है। एक बस फिलहाल चर्चा के लिए इतना ही समय है, और वाकई में दुखद है कि तमाम जो एजेंसियां इसके दायरे में आ गई हैं, लेकिन देखना होगा, हम सब की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है इस मामले में। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने क्यों कहा है कि जो गठबंधन की राजनीति है सरकारों से अब हमें आगे बचना होगा। तीस का इंडिया कैसा हो, इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर दिया। भविष्य के भारत पर बात करते करते वो मौजूदा राजनीति की चर्चा करने लगे और नेताओं को नसीहतें डाली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की राय है कि अगर अगले 10 साल में भारत को एक मजबूत देश बनना है तो उसे गठबंधन की सरकारों से बचना होगा। भारत को अगले 10 साल एक मजबूत सरकार की जरूरत है, कमजोर गठबंधन की सरकारें भारत के लिए हानिकारक होंगे। हालांकि इस मसले पर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो वो जवाब डाल गए। उसके पीछे अजीत डोभाल जी का नाम बताया जाता है, वही अजीत डोभाल जी आज एक भाषण देते हैं जो कि राजनीतिक भाषण जैसा भाषण है, और कहते हैं कि वीक पॉलिटिकल कोलिशन गवर्नमेंट देश के हित में नहीं होगा, यानी वो कोलिशन गवर्नमेंट पे भी आगे आने वाली अगर कोई आती है तो उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए उस पे। राहुल जी, डोभाल की अगली नसीहत ये थी कि देश को सॉफ्ट पावर नहीं हार्ड पावर बनने की जरूरत है। ऐसा देश जिसमें नेता जनता के दबाव में सख्त फैसले लेने से न डरें। द पॉपुलिस्ट मेजर्स, लोक लुभावने फैसले राष्ट्रहित से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। महंगा होगा कच्चा तेल हमारे लिए संकट का विषय है, देश को इससे निपटना होगा। सब्सिडी बढ़ाना इसका हल नहीं हो सकता। डोभाल ने मीडिया को भी नसीहत दे डाली, मीडिया समाज में झूठी कहानी न फैलाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों पर ज्यादा बात नहीं की, पाकिस्तान और सीमा पार आतंकवाद का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन गठबंधन और मजबूत सरकार के नाम पर उन्होंने जो कुछ कहा उसमें अगर आप चाहें तो एक छुपी हुई राजनीति जरूर पढ़ सकते हैं। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद भावांतर के भंवर में फंसे मध्य प्रदेश के किसान। शिवराज सिंह चौहान खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताते हैं। किसानों की खुदकुशी के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। राज्य सरकार भावांतर की सौगात लाई जिसे किसान भंवर समझ रहे हैं। चुनावी साल में किसानों की नाराजगी कौन सी करवट लेगी, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अलावा मध्य प्रदेश की सरकार को लगता है कि जो भावांतर भुगतान योजना है उससे उसको चुनावी साल में
फायदा होगा। 3399 रुपए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। सरकार इस बार फ्लैट 500 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है, यानी अगर आप जोड़ें मोटा मोटे हिसाब लगाएं तो 3800-3900 रुपए के आसपास पहुंचता है। किसानों की शिकायत ये कि जब भावांतर नहीं था तो अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन जो है बाजार में लगभग 4500 कई बार 5000 रुपए में भी बिक जाता था। 27 साल के सचिन मीणा बड़वाई से करौन मंडी 50 क्विंटल सोयाबीन लेकर पहुंचे। फसल बिकी 2820 रुपए प्रति क्विंटल, न्यूनतम समर्थन मूल्य से 579 रुपए कम। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का था। अच्छा, उसके बावजूद 2820 रुपए, मतलब 3000 से ज्यादा जा ही नहीं रहा। 3000 से ज्यादा जा ही नहीं रहा। कल सबसे महंगी ट्राली गई थी 3050। सरकार ने हाल ही में सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3050 से बढ़ाकर 3399 किया, यानी 349 रुपए की बढ़ोतरी। बावजूद इसके चाहे उड़द हो या मूंग या फिर बाजरा, मंडी में किसान को हर फसल का मूल्य एमएसपी से कम मिल रहा है। किसानों की शिकायत है कि अच्छी से अच्छी फसल को व्यापारी 2600 रुपए प्रति क्विंटल तक कम में खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ के लिए सोयाबीन पर भावांतर भुगतान में मॉडल रेट के बजाय 500 रुपए प्रति क्विंटल फ्लैट देने का ऐलान किया, लेकिन भरत सिंह मीणा जैसे किसानों का कहना है कि उन्हें कम से कम सरकार भुगतान की तारीख तो बता दे। आप ये कह रहे हैं कि कोई तारीख वारीख कुछ नहीं बता रहे भावांतर का, कुछ जो तारीख नहीं बता रहे, तारीख बताना चाहिए ना। हम तो सरकार का जवाब किसानों की परेशानी बढ़ाने वाला है। वो खुद मानते हैं कि आचार संहिता के दो दिन पहले किए गए ऐलान का नतीजों तक कोई मतलब नहीं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हर वक्त किसानों को ठगती है। हम किसानों को छलने नहीं, किसानों को सौगात देते आए हैं। 33,000 करोड़ सीधे खाते में एक साल में पहुंचाए हैं। निश्चित तौर पर किसानों के ऊपर ये तो सारा पाज जैसा हुआ है। चुनाव पूरे होंगे, सरकार में फिर आएंगे तो उसका पूरा जो हर्जाना है वो भर देंगे। ये सरकार झूठी सरकार है, ठगने वाली सरकार है। इस सरकार ने जितना अत्याचार किसानों के साथ किया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि 17,000 किसान यहाँ आत्महत्या कर चुके हैं। बहरहाल किसान सरकार से खुश है या नाराज, इसका फैसला तो 28 नवंबर को हो जाएगा। एमएसपी पर सरकार को भुगतान के लिए 4,450 करोड़ रुपए चुकाने हैं, जिसका भार नई सरकार पर होगा। उस सरकार पर जिसे खाली खजाना तो मिलेगा ही, कर्ज का बोझ भी 1,87,636 करोड़ रुपए का होगा। सोयाबीन जो यहाँ की अगर आप इस सीज़न की बात करेंगे तो मुख्य फसल है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि 3000 रुपए से ज़्यादा बेहद अच्छी क्वालिटी का जो सोयाबीन है उसमें भी इससे ज़्यादा रकम नहीं मिल रही है। इसी वजह से व्यापारी उसको उसके उत्पाद का सही रेट नहीं दे रहे हैं। भोपाल की करौंद मंडी से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और इसके साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।